उन दोनों लेडीज और उस जेंट्स का कहना है कि एक दोनों बाइकर राइडर साथ साथ चल रहे थे, जैसे इसकी चोट लगी वो भाग गया, ये उसका गवाह का कहना है। तो वो 360 किसी सज्जन ने मेरे यहाँ पर कुरियर कर दिया, उस बंदे का नाम है राधे शर्मा, उसने अपना एड्रेस तो मैंने उसको भी बोला था, वो उसका बस पॉइंट वही था कि टोल क्रॉस करके वो आ गया एंड उसके बाद से वो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, इसके वजह से वो नहीं आ रहा है। लेकिन बस हमें एक चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट है, जो उसने वीडियो डाला था ना कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त था, मैं दोस्त नहीं करूँगा। यार भाई और दोस्त को कौन ऐसे छोड़ के जाता है, हमें अभी कुछ नहीं पता एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे हुआ कुछ नहीं पता। कुछ मैंने उसको भी बोला था, वो उसका बस पॉइंट वही था कि टोल क्रॉस करके वो आ गया एंड उसके बाद से वो टोल से रिटर्न आने के लिए उसको बहुत टाइम लगा। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि वो पहले क्यों नहीं रिटर्न गया, एट लीस्ट फैमिली के साथ वहाँ खड़ा रहता, हॉस्पिटल में रहता। वही गलती भाई नहीं, भागना चाहिए, छोटा छोटा गलतियाँ ना बहुत बड़ा जगह में चला, भागना नहीं चाहिए उसका। उस दिन अगर वो छोटा सा डिसीजन अगर उसने सही लिया होता कि भाई नहीं वहाँ से मैं रिटर्न आके टोल फिर से टोल कटा के अगर वो रिटर्न आ जाता उसके साथ रहता, तब शायद से ये जो एलिगेशन सारी चीज़ें नहीं। सूरज भाई लोग आए घर पे, फैमिली का इतना तो बनता है, फैमिली ने अपना बच्चा तुम्हारे हाथ में सौंपा है, ठीक है, अगर उस वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी से अगर चला गया तो फैमिली तुम पे नाराज भी नहीं हो सकती, हो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। नहीं, वो तो बात, देखो जनरल बात है भाई। मेरे साथ तुम्हारी मेरे साथ परसों भी बात हुआ था, पापा के साथ भी तो बात होता है, मतलब अगस्त में पापा के साथ। हाँ क्यों नहीं बात होगी, व्हाट्सएप में बात होता है। उसका जो जूता वगैरह था कुछ रात अंकल गए थे, अंकल से बारे में बात किया उसने, परसों भी बात हुआ था अंकल से। अच्छा उसका कनेक्शन अभी? हाँ हाँ कनेक्शन है भाई, कनेक्शन है, मतलब कि व्हाट्सएप में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अच्छा, बट फोन में नहीं लगता है, फोन में नहीं, वो ऊपर अपना पहाड़ पर एक बार आता फैमिली के साथ बैठता, फैमिली नाराज होती है, एटलीस्ट उनका फैमिली का गुस्सा तो बाहर आता। हाँ, वो तो फैमिली का गुस्सा नहीं आएगा ना, जैसे कि आज मैं आया, मेरे से भी कुछ लोगों मतलब इनके फैमिली वाले ने जो चीज़ क्लियर नहीं था वो चीज़ पूछा, मैंने भी बोला देखो मेन कारण ये है कि रात को किसी ने नहीं सोया था, सो जाता ना कुछ सीन नहीं होता। मैं सबको मना किया था कि ब्रो रात भर नहीं सोए, सुबह को जेवर जाएंगे कुछ 120 किलोमीटर से, फिर वहाँ से रिटर्न आते आते 9-10 बज जाएंगे, दिल्ली के ट्रैफिक में फंस जाएंगे भाई, नींद आ जाएगा, फिर क्या होगा सोचो, गाड़ी कैसे चलेगा। तुम सोचो कि रात भर तुमने नहीं सोया है, उसके बाद राइड पे गए, रिटर्न आते वक्त धूप इतना कड़ा धूप, ठीक है, आँख तुम्हारा नहीं चलेगा भाई, काम ही नहीं करेगा दिमाग, ब्रेन नहीं काम करेगा। और ये चीज़ अचानक से गोप्रो का जो फुटेज था ना, पुलिस ने अपलोड किया था जो लास्ट उसका, अचानक से ना वो बंद हो गया, अचानक से बंद हो गया, क्योंकि अगर गोप्रो हम लोग ऑफ करते ना तो राइट हैंड आके ऊपर से बंद करते, अचानक से बंद हो गया, तो उसमें ऐसा लग रहा है मेरे को कि वो बैटरी बंद हो गया एंड गोप्रो वहाँ पे ऑफ हो गया, वीडियो कट हो गया, एंड हो सकता है कि बैटरी बंद हो गया, उसको बाद में मालूम चला, एंड वो ना स्लो होके लेफ्ट साइड हो रहा था एंड उस रोड पे हाई स्पीड में अगर मान लो कि तुम 200 के या तो 150 के स्पीड में जा रहे हो, अचानक से स्लो हो जाओगे तो पीछे का गाड़ी भी वो ना नहीं कर पाएगा एंड कंट्रोल करना, मेरे क्या स्पीड गाड़ी चलता है बहुत, मतलब सिर्फ बाइक का बात नहीं, वो कार भी भाई 180 नब गया होगा, उसने बैटरी चेंज करने के लिए लेफ्ट साइड या राइट साइड ले रहा होगा, पीछे से कोई गाड़ी हिट कर, क्योंकि गाड़ी का देखो गाड़ी का वो सीन है ना कि पीछे का जो उसका एलॉय बेंड हुआ है ना, एलॉय इतना कैसे बेंड हो सकता है, वही ना वही आपको लगता है, क्योंकि वही मेन बात है, किसी ने हिट किया इसलिए एलॉय बेंड हुआ है, नहीं तो एलॉय बेंड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कितना भी बंप हो, हां इतना हाई बंप है होता नहीं है भाई, बंप से ना मैं बता रहा हूं वो भाई टेनार है भाई, डिजिटल टेनार 18 लाख 19 लाख का बाइक है, ऐसे मटेरियल से नहीं बनता, डैम्पर लगा हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाएगा, वो चीज है कि भाई उसको किसी ने हिट किया तभी वो इतना बेंड हुआ है, एक राइडर गाड़ी को इतनी भगा, अगर 200 के स्पीड भी अगर गिरता ना भाई बाइक का भाई सब कुछ खराब हो जाता है, एक वो इंजन और चेसी ना अलग हो जाता भाई, राइडर भी उतनी गाड़ी भगाता जितना कंट्रोल कर सके, ये तो है ना। नहीं भाई मेरे को नहीं लगता अगस्ता बहुत हिसाब, मेरे हिसाब से मैंने भी राइड किया है वो, मतलब एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं लगता कि वो पहाड़ी बंदा था भाई, अब तुम लोगों को मालूम है पहाड़ी बंदा कैसे चलाते हैं, कितना एक्सपीरियंस होता है, हाँ टेनर का वो बीमारी है भाई, टेनर का वो बीमारी है, टेम्पर भी कंट्रोल नहीं कर पाया, नहीं उसका वो ना इलेक्ट्रॉनिक टेम्पर्स होता है ना या टेनर में, तो क्या होता है नहीं नहीं वो कभी कभार ना वो ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है वो अपने हिसाब से नहीं, वो भाई इलेक्ट्रॉनिक है भाई, वो कभी कभार मेल फंक्शन की वजह से वो ऐसा 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 बहुत किसी का होता है, मेरे अपने खुद के टेनर है, खुद के टेनर में बहुत हाई स्पीड में लाइक 150, 170, 200 ऐसे बहुत ज़्यादा ऊबर करता है, तो हो सकता है वो भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से गिरा है, ठीक है नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, लगता नहीं ना ये गाड़ी मतलब डिसबैलेंस हुई है, गाड़ी हिट हुई है, हिट एंड रन, मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से गिरा है,
ठीक है, अगर उसकी वजह से गिरता तो कुछ अलग और उसका जो चीजें हुआ है कम स्पीड में हुआ है, क्योंकि कम स्पीड में होने के वजह से ना उसका हड्डी वगैरह कोई भी चीज पार्ट नहीं टूटा कोई, ठीक है। हाँ, उसका सिर्फ ये मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग ऑफ द डे से ना मुझे ये बोला था सैमी भाई मेरे को एक नया हेलमेट लेना है, कौन सा हेलमेट लू, तो रेड लाइन इन स्टोर गए थे जो सिमरन किंग भाई का था, उसमें केवाईटी का स्टॉक पड़ा हुआ था, मैंने बोला भाई केवाईटी ले ले 10,000-15,000 का अच्छा है, तो उसके बाद उसने बोला हाँ भाई मैं ले लूंगा, बाइक को रैप कराऊंगा उसके बाद ले लेते हैं, उसके पहले ही भाई ये सही हो गया। और मेरे को जैसा लगता है कि गाड़ी से वो गिरा डिसबैलेंस होके कुछ भी होके ऊपर वाला को ही मालूम है गिरा, एंड उसका जो हेलमेट था ना वो निकल गया, फट से निकल गया, अच्छा एक निकल गया। एक वो जो हिट है ना उसमें ही निकल गया हेलमेट, हमने उठाया था ना हेलमेट, आपने देखा होगा अगर आप। और ये एमटी का मैं बता रहा हूँ, एमटी जो कंपनी है ना भाई सिर्फ देखने में है भाई, ठीक है, उसका कोई बिल्ड क्वालिटी है नहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड केस है इंडिया में। तुम सर्च करना 2016-17 या 2018 में एक केरला में बेंगलोर चेन्नई या फिर केरला में एक बंदा KTM RC लेके ट्रैक कर रहा था, एंड उसका सेम ऐसे हेलमेट फट गया था MT का हेलमेट, एंड वो बंदा डेड हो गया था ट्रैक, उसमें ना एक भी ब्लड का क्लोथ नहीं है। पहले ही फटके निकल गया था भाई, हेलमेट पहले हट गया था मेरे ख्याल से, तो भाई MT हेलमेट को तो बैन कर देना चाहिए भाई, अगर भाई 6,000-7,000 रुपए का कोई हेलमेट पहने उसके बाद अगर कोई सेफ्टी ना रहे उसका, अगर 100 के स्पीड में भी भाई अगर सेफ्टी ना रहे तो फिर क्या फायदा हेलमेट पहन के। और मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर कोई सुपर बाइक खरीदता है ना, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, एटलीस्ट भाई 10,000-20,000 रुपए का हेलमेट पहन, क्योंकि अगर 20 लाख का बाइक खरीद रहे हो तो तुम्हारा भाई ब्रेन से कीमती कोई चीज नहीं है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना तुम 30,000 रुपए भी लगाओ तब भी सही कम है। मेरा तो AGB है भाई, मेरा AGB है, पहले स्टार्टिंग से ना मैंने जब लिया था तब भी मैंने AGB K1 लिया था, अभी मैं AGC में अपडेट कर दूंगा, तो वो चीज है कि देखो क्या हो जाएगा भाई, एक्सीडेंट में बच जाऊंगा भाई, मतलब ये चीज अगर अच्छा हेलमेट पहना रहता, हेलमेट अगर नहीं पड़ता तो शायद से शायद कुछ दूसरा इंजरी हो सकता था, भाई तो जिंदा रहता ना, भाई तो जिंदा रहता, तो यही मेन बात है भाई। अभी तो आप इधर ही है ना, अभी नहीं मालिक कॉलेज के जो रात को वो चले गए थे वहां से, भाई देखो मेरे ख्याल से ने वीडियो डाली, वो भाई बहुत अच्छा रहा, वो भी मतलब उसका रंग का पता है एज सेम है, भले वो लगता 16 से ज्यादा मैच्योर है, तुम 2 साल पहले का वीडियो देखना और अभी का वीडियो देखना, सेम ही मतलब 22 साल का ही है बंदा, बट वो मैच्योर है, उससे ज्यादा मैच्योर है, बट मुझे ये लगता है कि वो भी बेचारा ना वो सिचुएशन में डर गया टोटली, क्योंकि वो कभी मेरे से जब भी वो बाहर होटल भी चेकआउट करता ना, मेरे को फोन करके एटलीस्ट सैमी भाई मैंने होटल चेक करता हूँ, मैं उस दिन शौक हो गया कि भाई मैं जब हम लोग खाना खाने गए थे, हम लोग जब रिटर्न आए तो होटल के जो नीचे जो था रिसेप्शन में, वो बोला कि माजिद भाई का चेकआउट करके चले गए, रॉयल सैफरन अरे जितने भी मुझे बात को वो चले गए इसलिए था कि वो ठीक है भाई पता नहीं वो होटल से ना निकल के दूसरे होटल में चेक इन शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया रात को, जितने भी वीडियो मैं आपको बताई देता हूं, उसका 360 मिल गया, अभी लोगों को पता नहीं वो 360 किसी सज्जन ने मेरे यहाँ पर कुरियर करा दी, उस बंदे का नाम है राधे शर्मा, उसने अपना एड्रेस दे रखा था लेकिन वो मिट गया, तो उसने जो लेटर लिखा हुआ है बहुत सज्जन आदमी, लेकिन देखो 360 क्या करता है, उसने 360 उसको मिला जैसे ही मिला, उसने 360 जब अपनी गाड़ी में रख रहा था ना वो बंदा, तो उससे बटन दब गया, वो 360 ने उसकी फोटो खींच ली, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसी की फोटो खींच ली जिसके पास वो मिला, मुझे उससे कोई नहीं पता नहीं होगा ना, उसको पता नहीं, उसने जैसे हाथ लगाया ना 360 ने ऑटोमेटिक उसकी फोटो खींच ली, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ आज भी इंसानियत है, कैमरा भले ही 50,000-60,000-70,000 वो रख सकता था, लेकिन देखो इंसानियत, उसने मेरे घर पे पोस्ट किया, हमारे घर में इतना रश था कि हमें ही नहीं पता कि कुरियर कोई आया, 2 दिन बाद मेरे को घर पे मिला, मैंने तुरंत SSB को फ़ोन किया, अब मैं खुद उसको बाय हैंड डिलीवर करके आया, देखो अब इसकी फुटेज वो भी मिलेगा, लास्ट उनको मैंने क्या बोला, मैं एक आजकल क्या है कि आप सैटेलाइट इमेज भी मांग सकते हैं, सैटेलाइट इमेज आपको, हाँ उस टाइम की सैटेलाइट आपको इमेज मिल जाएगी, लास्ट साधन है,
लेकिन उसको लेवल वो सी एम मतलब जो SSP DIG IG के रैंक के होते, अगर उन्होंने सैटेलाइट की रिपेयर मांग ली उसमें क्लियर आ जाएगा कौन था कहाँ था कौन सी गाड़ी जाती है, लास्ट चांस है। और आजकल ये है हमारे पास टाइम उसका आ गया है तो उस टाइम के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में कितनी गाड़ियाँ कितनी गुजर गई होंगी, वहाँ पे रिकॉर्ड है जो गाड़ी काली काली साथ में चल रही थी पुलिस ने वो रिकवर कर ली। तो हमें हमारे को भी 2-3 दिन बाद उन्होंने बुलाया है कि आप आ जाओ, काली गाड़ी वाला क्या बोल रहा है, किसने टक्कर मारी, वो कुछ उसका कहना है, वो अपनी तरफ से बुलाया किसने मारी या क्योंकि वो वहाँ थी कैमरे में भी दिख रही है, वो क्या बोल रहा है कैसे हुआ, वो भी हमारे सामने डिस्क्लोज नहीं करते। अगर आप आ जाओ तो 4 दिन बाद आ जाओ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, मैंने इन्वेस्टिगेशन कर दी, मैंने पुलिस वालों को पहले बोल दिया, मैंने कहा भाई साहब मेरे बारे में पता करना होगा कर लेना, मैंने कहा बच्चे की चोट लगी है अपने आप तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो कर दूँ क्या कर सकते थे, अगर किसी का बाल बराबर भी उसमें हो गया तो आपको जो करना करो, आगे जनता देखेगी जनता ने क्या करना। वो जिसने वो कैमरा भेजा उसने मेरे को एक चीज़ भी दी थी, उससे मैं एक्सीडेंट हुआ, मैं तुरंत पहुंच गया था वहाँ, ना ऑटो शोटो कुछ नहीं था वहाँ, सिर्फ एक लेडीज और एक जेंट, मैं गाड़ी साइड में लगाई, मैंने देखा बच्चे को हेल्प करता जो भी है, लेकिन मैं देख पाता कुछ नहीं गाड़ी, और उन दोनों लेडीज और जेंट्स का कहना है कि एक दोनों बाइकर राइडर साथ साथ चल रहे थे, जैसे इसकी चोट लगी वो भाग गए, ये उसका गवाह का कहना है। ऑटो वाला झूठ बोल रहा है, ऑटो आप मेरी पीछे आवाज़ आएगी ना, आप तो पलट के देखोगे आवाज़ कहाँ से आएगी, इससे पहले आप देख नहीं सकते कि आवाज़ कहाँ से आएगी, ऑटो वालों को क्या है कि रोड देखते रहते हैं, देर में उसने गर्दन मोड़ी होगी, हाँ निकल गया, क्या क्या हो गया, और वहाँ से जहाँ ऑटो स्टैंड और हुआ है ऑटो वाले 50-60 फीट का नहीं 50-60 मीटर का डूबा है उनका, ये हाँ जी हुआ, ये तो सबको पता है। अगर मैं उसी दिन से पूछूंगा सर बुलाते भाई तेरा कैमरा तेरा मोबाइल था ट्रेस करता हूँ, उस दिन आया तो वो भी नहीं होने का, वो भी नहीं होने का, फिर मैं ऐसे पूछूंगा कि आप यहाँ मौजूद थे सर बुलास में तेरा मोबाइल लगा हूँ, वो भी नहीं होगा फिर, और जितना टीवी में दिखा रहे हैं ना 294 का एक्सीडेंट जीरो कुछ नहीं होगा, 294 पर गाड़ी जरूर ले गया था, 294 पर ले गया था लेकिन उसके बाद उसने जीरो कर दी थी गाड़ी, गए थे फिर यू टर्न मारा, उसका वीडियो हमने देखा, पहले वाली उठा ली थी, पहले का पोर्शन यू टर्न मारी जब उसने दिल्ली के लिए तब एक्सीडेंट अचानक हुआ, और यू टर्न और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 500-600 मीटर का डिफरेंस, अब तो इसकी कोई दिक्कत है साथ चलता था वो क्यों भाग लिया, वो भाग लिया उसने, अब इसमें एक दूसरी चीज भी है ना, वो दूसरी गाड़ी ये भी हो सकता है उसकी गाड़ी में कुछ इम्पैक्ट आया हो, अपनी गाड़ी 30-50-70 किलोमीटर दूर छोड़ के दूसरे की गाड़ी में बैठ के तब आ, अपनी गाड़ी में उसकी रैपिंग हो रखी थी, क्या निशान लगे कुछ वो तो पता लगे ना इन्वेस्टिगेशन, 6 के खिलाफ FIR है, एक लड़का आ रखा है इसके खिलाफ भी FIR के खिलाफ भी है, क्योंकि आप थे आप बताओगे ना, तो ये 6-7 ये किसी ने गिरा दी पीछे का, अब आप भाग रहे हो हल्का से, मैं आपको गिरोगे आप डिसबैलेंस होकर गिरोगे, वो तो वहाँ सीधी रोड है, अगर अंधे के हाथ में भी दे दोगे स्टेरिंग कहता तो वो भी करीबन 1 किलोमीटर सीधी ले जाते हैं, 294 पे गिरता था रोड है, बाइक का पुर्जा भी नहीं सब अलग होते, अगर 294 पे गाड़ी कंट्रोल कर रहा है छोटी मोटी ऐसे तो अगर 300 एडवांस बाइक की रफ्तार पे एक्सीडेंट होता, मैंने बचपन से अब भी चला रहा, हमने भी देखा कितने उड़ गया था, आदमी की कौन इवन उसके देखो हल्के से निशान है घुटनों में प्रोचे लगती है, एक भी फ्रैक्चर नहीं है, सोचो लोहे का तो है नहीं, अगर 150 की स्पीड में करो तो भी क्रैक खा जाता है, डॉक्टर का कहना है सर में चोट ना लगती ये खड़ा से चुपचाप, अरे वो उसके तो खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहानी क्या लगती है, हमारे को यही खाया जा रहा है जिस बंदे के पास अपने आमिर मस्जिद के पास अपने कैमरे हैं, उस बात 360 आपको यहाँ का कैमरा होने, 360 में तो वो रिकॉर्ड होता है ना पीछे का, आप समझिए अब आपके एक कैमरा है, आपने चिप लगा रखी है और आपने रिकॉर्डिंग कर ली, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप वाली चिप निकाल के वाला डाटा किसी और चिप पर डाल के वाला लगा के आप दे दो तो रिकॉर्ड तो पीछे रिकवर नहीं हो सकता, अगर वही ओरिजिनल चिप देगा फिर कंपनी रिकवर कर लेगी, वो जितू साइड मिरर में दिख भी रहा साथ आता है, दिख भी रहा बगल में वो पीछे ही रहता है उसके, आगे जाने का मतलब ही नहीं है, बहुत आगे निकलो कट उसने मारो या इसने कट मारो पता तो